सभी उद्योगों को वाटर न्यूट्रल और आत्मनिर्भर बनाया जाना चाहिए। वहाँ वर्षा जल संचयन और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी प्रौद्योगिकी विकसित करने और अपनाने की आवश्यकता है जो पानी के उपयोग को कम से कम करे। इन कदमों को यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे देश में हो रहा विकास सस्टेनेबल हो और पर्यावरण के लिए हानिकारक न हो। यह बात राजस्थान सरकार के PhD एवं भूजल सेक्रेटरी डॉक्टर समित शर्मा ने आज कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा एनवायरमेंट समिट के 7वें संस्करण में कही। आइए आपको भी सुनाते हैं क्या कुछ कहा। आज कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज ने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया है एनवायरमेंट समिट, और इसमें इस प्रकार से चर्चा की जा रही है कि किस प्रकार से जो सस्टेनेबिलिटी है वो इंडस्ट्रेशन के साथ मेंटेन करके रखनी है, किस प्रकार से एनवायरमेंट को ग्रीन रखना है, क्लीन रखना है, साथ साथ में जो वाटर ट्रीटमेंट है उसको भी कंसिडर करना है, और वाटर न्यूट्रल इंडस्ट्रीज कैसे स्थापित करनी है या इंडस्ट्रीज हैं वो वाटर के मामले में सेल्फ सफिशिएंट हो, उसकी बाहर कोई भूजल पे या अन्य पे निर्भरता नहीं हो। अगर वो हो तो उसको इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी उसको यूज करे कि उसको भूजल का अति दोहन ना हो और इससे जो रेड स्थिति अभी बन रही है राजस्थान की उससे स्थिति से निकलने में मदद मिले। देखिए, राजस्थान में जो भूजल की स्थिति है पिछले दशक में बहुत क्रिटिकल हो गई है। पहले जितने सेफ जोन्स हुआ करते थे लगभग 80% सेफ जोन्स होते थे, अब मात्र 12% ही सेफ ब्लॉक्स रह गए हैं और बाकी सब अनसेफ में आ गए। अनसेफ का मतलब है कि वहाँ दोहन इतना ज़्यादा हो रहा है कि जितना वर्षा जल का जो पुनर्भरण हो रहा है और जो भूजल का पुनर्भरण हो रहा है उससे कई गुना ज़्यादा या उससे ज़्यादा एक्सट्रैक्शन हो रहा है। तो ऐसी स्थिति लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल नहीं हो सकती, क्योंकि इससे आगे आने वाले समय में जो भी कृषक या इंडस्ट्री या जो घरेलू जो ट्यूबवेल लगे हैं वो जो पानी निकालते हैं वो वहाँ पानी बचेगा नहीं। अभी जो वाटर टेबल है 40 मीटर से नीचे खिसकते हुए 80 मीटर पे, कई जगह 100 मीटर से 120 मीटर पे आ गई है। तो अगर अभी से पर्याप्त कदम नहीं उठाए जाएंगे तो आगे आने वाले समय में इसमें और कठिनाई पैदा होगी, इसलिए राज्य सरकार ने ये कदम उठाया है।